अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। आपका? शाइस्ता। शाइस्ता और कोमल नाम की तरह उतनी ही शाइस्ता और कोमल है। जी जी बिल्कुल। आप तो लग रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रही हैं ना, आप तो लग रहे हैं आप बड़ी शाइस्तगी से बात कर रही हैं। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं कल्चरल स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ लाहौर में। और आप? मैं भी कल्चरल स्टडीज़ कर रही हूँ। क्या लगता है आपको, ये आप ये डिग्री अच्छी है? बहुत अच्छी है। क्या क्या आपको सीखने को मिला, ज़रा बताएं लोगों को। मतलब इस डिग्री का पाकिस्तान में ये मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ये सब्जेक्ट, और इस डिग्री का स्कोप इधर लोगों को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसका मतलब बाहर बहुत स्कोप है इसका। इसमें बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। अल्टीमेटली तो हमने रहना तो पाकिस्तान है, बट यू नेवर नो आप कब जो है वो बाहर चले जाएँ। तो मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में रहने और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट ये चूज़ करते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान में क्या स्कोप है? उसके लिए एज ए जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हो, वर्क होता है, थ्योरी पे बेस्ड एक्टिविस्ट आप बन सकते हैं, इवन आप राइटिंग वगैरह राइटर बन सकते हैं। इसके बहुत आगे जाके फर्दर ब्रांचेज हैं और स्कोप्स हैं। यानी कि अभी लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपने जब ये डिग्री की तो आप जाहिर है जब फैमिली में भी जाते होंगे, इवेंट्स में भी जाते होंगे, लोग पूछते होंगे बेटा कोमल और शाइसा क्या करती हैं, जब बताते होंगे लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? वो तो हमें कहते हैं तुसी कर दे। रियली? यस। अच्छा, ये बेसिकली ये मुझे लगता है कि मैस कॉम वालों को शायद कहा जाता होगा, क्योंकि जो फिल्म एंड मेकिंग करते पढ़ते होंगे। अच्छा, हमारी जो है ना कल्चर स्टडीज़ में बेसिकली इसमें मैस कॉम भी आ जाता है, इसमें एफटीवी, मैस कॉम, और ये तीन मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आता है। इसमें आपको मीडिया भी आ रहा है। अरे वाह, ये मतलब ये एक ही चीज़ में ये पैकेज है, पूरा एक मिक्सचर है। चलें, आप मुझे बताएं आप दोनों का ताल्लुक लाहौर से? मेरा बेसिकली गुजरांवाला से, लेकिन मैं लाहौर रहती हूँ। और मैं हुंजा की हूँ। हुंजा की है, आप पता लगा ना कि आप क्यों लग रही हैं ऐसे, आप हुंजा की। हुंजा इतना खूबसूरत है, राज हुंजा है। हमारी खूबसूरती के राज लिटरली हुंजा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका वहाँ पे हुंजा में कोई ऐसा है, जैसे हम कैलाश में मैंने सुना है कि लोग जब वहाँ पे मर जाते हैं तो वहाँ पे खुशी मनाई जाती है? नहीं नहीं, हुंजा में ऐसा कोई नहीं है कि लोग मर जाएँ और खुशी मनाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, ये अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पहाड़ी वालों की जो माइंड मेंटेलिटी वहाँ का रहन सहन तो वो बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का जो सिटी एरिया होता है। यहाँ पे लोग, उनकी सोच, उनका रहन सहन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। हम लोग मतलब होता है कि एक शाही तरीके से हम लोग रहते हैं, रॉयल रहना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलबी, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है, बहुत ज़्यादा। अरे तो वैसे भी फॉरेन एरिया में कोमल, आपको कभी इनवाइट किया है कोमल लेके आए कभी? इसने मुझे बहुत दफ़ा इनवाइट किया, लेकिन फॉर्चुनेटली लाइक यू नो घर वाले हुंजा, बेटी नहीं जा सकती ना, सो लेकिन लिटरली आई एम प्लानिंग, मैं तो नथिया गली से ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकी हूँ, और मैं इतना प्लान कर रही हूँ कि मैं कल परसों मैंने निकलना है। आपको पता है कि ये इन एरियाज में जाके आधा डिप्रेशन तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर भी नथिया गली चली गई, हम लोग लाहौर से नहीं आगे जा पा रहे। ऐसे क्यों है? पेरेंट्स जब पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, सब कुछ करने के लिए भेज देते हैं, तो फिर वहाँ जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? सोसाइटी की एक मतलब बन चुकी है कि मतलब आप इनको करें ना, इनके पेरेंट्स को कन्विंस कि मैं देखें इनकी फ्रेंड हूँ, मुझे ले जाएं, और मेरी तो फैमिली वहाँ रहती है, मैं इनको अपने घर लेके जा सकती हूँ। कर रही हूँ, बहुत दफ़ा किया था ये। क्या करें कोमल, आप मेरी दोस्त बन जाएं, आई एम विलिंग, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आ जाए, आप आ जाए, वेलकम। ठीक है, देखिए मिस कोमल की जो है ना, मैं सोच रही हूँ ऐसे पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनकी दोस्ती जो है ना वो बड़ी अच्छी है। एक तो आप वहाँ जाए, आपका कोई खर्चा नहीं होगा वहाँ पे घर का, स्पेशली ऐसे ही है पीना, घर का घूमना, सारी मेरी तरफ से आपके। कोमल कोई ऐसी स्पेशल डिश बताएं जो हुंजा के लोग खाते हैं? शबशुरो है। शबशुरो, हाँ, और उसके साथ गियलिंग बोलते हैं, और ब्रुशपिक। बड़े मुश्किल नाम है ये। आप लोग हिंद को बोलते हैं जी? हिंद को बोलते हैं या कोई और ज़बान है? नहीं नहीं, हमारी अपनी दो ज़बानें होती है जो कि हुंजा में बोली जाती है, ब्रुशस्की और शिना। ब्रुशजी, ब्रुशस्की और शिना। ब्रुशस्की पता नहीं मेरे से ना हो पाएगा, ये से ना हो पाएगा, ये हुंजा वाले ही करें। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत हैं, और गुजरांवाला के जो लोगों की तरफ अगर हम आएँ तो ये तो फिर बड़ा खाना पीना बहुत शौक से खाती हूँ। सो फूडी, मैं बहुत खाती हूँ, ये बहुत खाती हूँ, और हमेशा मुझे बोलती है कि कोमल तुम ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ। इनका मसला नहीं है, ये गुजरांवाला से हैं, ये हड्डियाँ में नहीं छोड़ते हैं, ये सब खा जाते हैं। सिटी ऑफ रेस्लर्स यू नो। अच्छा, बनाए आपने डोले शोले बनाए? ये तो
अच्छा चलिए अब हमारा क्विक सा क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताएं कॉमन सेंस का कि वो क्या चीज है जो पानी पीने से मर जाती है? आग। नो। आग। नहीं। और क्या हो सकता है यार, उसमें पानी गिराने तो वो खत्म हो जाती है ना, बस मेरे मारने वैसे ही था। पानी पीने से मर जाती है? नहीं, मछली तो पानी में रहती है। भूख नहीं है इसमें। बोलो। पता नहीं। भूख नहीं। और फिर भी आप नहीं कर पा रही। भूख? भूख? नहीं। प्यास। Exactly. मतलब भूख के बाद आगे प्यास ही आता है। क्या मिलेगा इसके बदले में? दुआएं। आपको पता है दुआएं कितनी कीमती होती हैं? हमें अपने बुजुर्गों की बहुत मिलती हैं। मुझे आप बुजुर्ग समझ लें। जब से लाहौर आई हूँ मुझे दुआएं नहीं मिली, मुझे दुआएं की। चलें कोमल, आप जो चाहती हैं ना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सेम ईयर व्यूअर्स, आपने देखा कि ये एक डिग्री ऐसी कर रही हैं कि जो अक्सर लोगों को नहीं पता है। अब मुझे तो काफ़ी देर ज़ाहिर है उनसे बात हो गई है, मेरे जहन से निकल गया कुछ कल्चरल टाइप उन्होंने बताया है कि जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स, लोगों को लगता है कि मैथ्स कॉम स्पेसिफिकली कर लें तो वो ये वाली डिग्री भी कर सकते हैं, जो जिसका स्कोप बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में भी अनकरीब हो ही जाएगा।